वेलकम टू न्यू लेसन। आई एम आजाद और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ब्लिस से एक और लेसन लेकर जिसका टाइटल है फेबल। मैं कोशिश करूँगा इसके वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन को आप तक पहुँचाने की। और जैसा कि मैंने पिछले लेसन में भी किया था फादर्स हेल्प में, ये हमारा दूसरा लेसन है। इस लेसन को भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए आसान बना दूँ समझना और इसके क्वेश्चन आंसर को करना। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा लेसन नंबर टू का जो टाइटल है वो है फेबल। अब फेबल जनरली एक ऐसी स्टोरी को कहते हैं जिसमें कुछ एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं और उस स्टोरी से हमें एक मॉरल लेसन मिलता है, यानी कि जिससे हम कुछ सबक सीखते हैं, जो कहानी हमें एक सबक देती है, सबक सिखाती है, एक पाठ पढ़ाती है, अच्छाई की अखलाकी बातें उसमें होती हैं, एक अखलाकी मैसेज होता है, मॉरल लेसन जिसे कहते हैं। तो ये जो लेसन है इसका टाइटल फेबल ज़रूर है, लेकिन है ये पोएट्री फॉर्म में, ये कोई स्टोरी नहीं है। हाँ, इस पोएम को जब हम गौर से पढ़ते हैं तो इस पोएम के अंदर में स्टोरी छुपी है। एक कॉन्वर्सेशन दिखाया जा रहा है माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में, पहाड़ और स्क्वायरल जो है वो बात करते हुए नज़र आते हैं, जैसा कि फेबल में जनरली होता है कि एनिमल कैरेक्टर्स बातचीत करते हैं। फेबल में एनिमल कैरेक्टर्स ही होते हैं, इसमें भी एनिमल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये एक पोएम है, दिस इज़ नॉट अ स्टोरी एट ऑल। तो आइए पहले राइटर के बारे में देखते हैं। राइटर हैं इसके जो पोएट हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन एक अमेरिकन एसेइस्ट, लेक्चरर और पोएट हैं। इनकी पैदाइश 1803 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल, इनकी मृत्यु 1882 ईस्वी में हुई। ये अमेरिका के रहने वाले हैं इसलिए अमेरिकन कहा जा रहा है एक प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ। साथ में बताया जा रहा है इनका पेशा कि ये क्या, इन्होंने क्या क्या काम किया है। ये एसेइस्ट भी रहे हैं, लेक्चरर भी रहे हैं और एक कवि शायर भी रहे हैं, पोएट भी रहे हैं। हिज फेमस पोम्स इंक्लूड, उनकी मशहूर नज्मों में शामिल है। इंक्लूड अगर इस तरह से लिखा हो तो उसका मतलब है कि उस चीज़ में शामिल है। तो क्या चीज़ें शामिल हैं, इंक्लूड के बाद लिखा है कॉनकॉर्ड, हीम एंड ब्रह्म। ये दो टाइटल हैं उनके पोम्स के, उनकी नज़मों के, उनकी कविताओं के टाइटल्स, और ये दो बहुत ही मशहूर नज़में हैं उनकी। द पोम डिस्क्राइब्स अ कॉन्वर्सेशन। अब आते हैं इस पोम के ऊपर कि पोम में क्या है। तो पोम में एक कॉन्वर्सेशन दिखता है, ये पोम बयान करती है एक बातचीत बिटवीन द स्क्विरल एंड द माउंटेन, एक गिलहरी और एक पहाड़ के बीच में बातचीत होती हुई नजर आती है। द स्क्वायरल पॉइंट्स आउट, अब जो गिलहरी है वो एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाती है, दैट इन दिस वर्ल्ड, के इस दुनिया में एवरी बींग, जो भी चीज मौजूद है, एवरी बींग जो भी चीजें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो जानदार हो, गैर जानदार हो, जीव हो, निर्जीव हो, बिग और स्मॉल, चाहे बड़ा हो ये छोटा हो, हैव देयर इंडिविजुअल रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस, उनकी अपनी एक अहमियत है। ऐसे यहां इंडिविजुअल रीजन का मतलब है उनका अपना एक कारण है फॉर एग्जिस्टेंस, होने का, तो उनकी मौजूदगी का, उनके होने का एक कारण है, यानी कि उनकी भी अपनी एक अहमियत है, उनका भी होना जो है सिग्निफिकेंट है। तो असल में यहां एक सबक बताया जा रहा है कि कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती है, बल्कि हर चीज़ की अपनी अहमियत होती है और सभी चीज़ें मिलकर ही ये कायनात का रूप, एक शक्ल अख्तियार करती हैं। ये दुनिया जो है सभी चीज़ों से मिलके बनी है, यही पैगाम है इस नज़्म में, इस कविता में। तो आइए शुरू करते हैं कविता। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। माउंटेन और स्क्वायरल का, यानी कि पहाड़ और गिलहरी का झगड़ा हो गया। हैड अ क्वारल,
झगड़ा हो गया एंड द फॉर्मर, और पहले वाले ने कॉल द लेटर, बाद वाले को कहा, बुलाया एक नाम से। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। देखिए पहले वाला कौन है, माउंटेन, पहले जिक्र किया गया था माउंटेन का, पहाड़ का, और फिर उसके बाद जिक्र किया था स्क्वायरल का, गिलहरी का। तो पहले ने बाद वाले को कहा, यानी कि पहाड़ ने गिलहरी को कहा, लिटिल प्रिग, लिटिल यानी कि छोटा, छोटे कद का, प्रिग का लफ्जी मतलब ऐसे होता है खुद पसंद, जो जिसमें थोड़ा एरोगेंस होता है, जो एरोगेंट होता है। तो हम यहां छोटे कद का खुद पसंद इंसान, खुद पसंद एक जानवर कह सकते हैं, जो यही कहा होगा पहाड़ ने शायद उसको, क्या छोटे कद के खुद पसंद जानवर, इंसान तो नहीं कह सकते। जिस पे गिलहरी जवाब देती है, बन रिप्लाइड, बन जो है वो स्क्विरल को कहा गया है, पोएट ने कहा है बन स्क्विरल को, क्योंकि वो बड़ा सॉफ्ट उसका स्ट्रक्चर होता है, फर उसके बड़े सॉफ्ट होते हैं, इसलिए बन पोएट ने कहा है। तो स्क्विरल ने जवाब दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, कि तुम निसंदेह बिला शुबा बहुत बड़े हो। यू आर डाउटलेस, डाउटलेस का मतलब होता है बिला शुबा, निसंदेह, जिसमें कोई शक ना हो। यू आर वेरी बिग, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, लेकिन सभी तरह की चीजें और मौसम को मिलाना जरूरी है टू मेक अप अ ईयर, एक साल बनाने के लिए, एक साल कंप्लीट करने के लिए, एंड एज फेयर, और ये दुनिया कंप्लीट करने के लिए। ये दुनिया अधूरी है अगर इसमें से कुछ चीजों को हम अनइंपॉर्टेंट समझ के निकालते हैं। सभी चीजों का मिलना मिलाना जरूरी है, तब ये दुनिया कंप्लीट बनती है, तब ये दुनिया कंप्लीट होती है, एक साल कंप्लीट होता है। सभी चीजों का होना जरूरी है, सभी मौसम का होना जरूरी है, तब एक साल कंप्लीट होता है और ये दुनिया कंप्लीट होती है। एक अच्छा मैसेज मिला है यहां पर, बन ने बहुत अच्छी बात कही है, स्क्विरल ने पहाड़ से बहुत अच्छी बात कही है, माउंटेन से, कि पहाड़ तो यकीनन बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो छोटा सा जो जानवर है, छोटी सी मखलूक, इसकी भी अपनी अहमियत है। सभी चीजें मिलकर एक साथ ये पूरी कायनात का निजाम चलाती है। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी शर्म। आई डू नॉट थिंक इट डिसग्रेस, मुझे बिल्कुल भी इसमें डिसग्रेस नहीं लगता, मैं इसको डिसग्रेस नहीं समझता, यानी कि मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। किस बात में, उसके आगे लिखा है, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मेरी जगह पे मुझे होने में। टू ऑक्यूपाई अ प्लेस का मतलब है आपका किसी जगह पर बने रहना, मौजूद होना। तो मैं अपनी जगह पर हूं, यानी कि मैं मौजूद हूं, मेरा वजूद है, मैं अपने वजूद पे, चाहे मेरा साइज बहुत छोटा है, शर्मिंदगी मुझे महसूस नहीं होती, मुझे कोई शर्म इसमें महसूस नहीं होती। अब क्यों नहीं महसूस होती, वो आगे वाजे करता है, बात को स्पष्ट करता है, बोलता है, इफ आई एम नॉट सो लार्ज, अगर मैं इतना बड़ा नहीं हूं जितना कि तुम हो, एज यू, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, मैं तुम्हारे जितना बड़ा, तुम्हारे जितना विशाल, तुम्हारे जितना अजीम, ऊंचा, बड़ा नहीं हूं। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम भी उतने छोटे नहीं हो जितना कि मैं हूं। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूं, तो तुम शायद इसमें अपनी बड़ाई समझते हो, खूबी समझते हो, लेकिन तुम मेरे जितने छोटे नहीं हो, यह भी एक खूबी है। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एंड हाफ नॉट सो स्प्राय, स्प्राय मतलब होता है फुर्तीला, और हाफ यानी कि आधे भी फुर्तीले नहीं हो, ना ही तुम मेरे जितने छोटे हो, छोटे साइज के हो, और ना ही तुम फुर्तीले हो, आधे भी फुर्तीले नहीं हो। आई शैल नॉट डिनाई, मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना किसी बात से, तो मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। यू मेक, तुम बनाते हो अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक, कि तुम्हारे ऊपर बड़ा खूबसूरत स्क्विरल ट्रैक होता है,
असल में पहाड़ बनाते तो नहीं है, पहाड़ों पर होता है स्कोरल ट्रैक, तो तुम्हारे ऊपर बड़ा खूबसूरत स्कोरल ट्रैक होता है, जिसे इसको स्कोरल ने कहा है, ग्लेरी ने कहा है पहाड़ को कि तुम बड़ा अच्छा स्कोरल ट्रैक बनाते हो, यानी कि तुम्हारे ऊपर बड़ा अच्छा स्कोरल ट्रैक रहता है। इसमें मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं है, एतराज नहीं है। टैलेंट्स डिफर, टैलेंट्स मुख्तलिफ होते हैं, टैलेंट्स में फर्क होता है, टैलेंट्स अलग अलग तरह के होते हैं। टैलेंट्स डिफर, डिफर मतलब अलग अलग तरह का होना, मुख्तलिफ होना। तो टैलेंट्स डिफर, टैलेंट अलग अलग होता है, सबका अलग अलग टैलेंट होता है, टैलेंट में फर्क होता है। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, यहां बड़ी अच्छी बात समझाई है ग्लेरी ने कि सभी चीजें बहुत अच्छे तरह से और अकलमंदी से रखी गई हैं, यानी कि इस कुदरत के मालिक ने जो कुदरत में, कायनात में, दुनिया में, जो सृष्टि में जो चीजें सजाई हैं, अपनी अपनी जगह पर लगाई हैं, वो सब बहुत अकलमंदी से लगाई हैं, बहुत अच्छी तरह से लगाई हैं। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट, अगर मैं कैरी नहीं कर सकता जंगल, ऑन माई बैक, अपनी पीठ पर, जैसे पहाड़ को देखें तो पहाड़ों की पीठ पर ऐसा लगता है कि जंगल पूरा एकदम छाया हुआ है, तो वही कह रहा है कि मैं तुम्हारी तरह शायद अपनी पीठ पर जंगल कैरी नहीं कर सकता, अपनी पीठ पर जंगल लेकर नहीं घूम सकता। नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, लेकिन तुम भी एक नट भी क्रैक नहीं कर सकते, मामूली सा एक नट ये तुम क्रैक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। क्रैक मतलब दांतों से तोड़ना, तो क्रैक नहीं कर सकते एक नट को, सोचोगे तुम्हारी क्या बिसात है। तुम बहुत कुछ अच्छे काम करते हो लेकिन बहुत सारे काम तुम नहीं कर सकते, उसी तरह से मेरे अंदर भी कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां हैं। मैं शायद बहुत बड़ा नहीं हूं लेकिन मेरे छोटे कद के साथ भी मुझे बहुत कुछ टैलेंट दिया गया है। राल्फ वाल्डो इमर्सन जो हैं वो बहुत अच्छे पोएट हैं, जिन्होंने एक अच्छा पैगाम दिया है कि इस कायनात में हर चीज़ अपनी एक अहमियत रखती है, सभी चीज़ों का मिलकर रहना ज़रूरी है, तभी ये दुनिया कंप्लीट होती है, अदरवाइज़ ये इनकम्प्लीट हो जाती है। बड़ी ही खूबसूरत नज़्म थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि कोरोना क्राइसिस में लोगों के लिए पढ़ाई को आसान बनाना बहुत ज़रूरी है। घर बैठे अगर लोगों को आसानी से ये बात, ये लेसन समझ में आ जाता है, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियोस रेगुलरली आपको मिलते रहें और आपके लिए पढ़ाई आसान हो जाए। अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।